यार भाई, मैंने आपसे थोड़े क्वेश्चन करने हैं। हाँ बिल्कुल सबसे पहला आता है। क्वेश्चन मेरा ये है, जो पाकिस्तान में अभी जो करंट जो सिचुएशन चल रही है, करंट अफेयर, सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कर रही है, तो उस पर अपना मौकिफ दे। और दूसरी बात ये, जो पाकिस्तान के आवाम है, ये क्यों इतने खुश हो रहे हैं कि मतलब न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो लगना है, क्या उन्होंने पाकिस्तान को यहाँ से वहाँ लेके जाना है, क्यों इतना खुश है? सुने ना, मैं आपको बात करने लगा। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें। पहले तो आप ये समझे कि ये जो तकरीरी है, ये 22 ग्रेड की अफसर की है, तो ये तो होती रहेगी, ये अभी भी होगी, कल भी होगी, तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल आते रहेंगे। आप मुझे बताए ना, जब कभी किसी आईजी की तकरीरी होती है तो उसमें ये हल्ला गुल्ला होता है, आवाम आईजी की तरफ देखें तो और भी तो 22 ग्रेड है ना उसकी। कभी आपको पता चले कि यार अभी समरी आई है 22 ग्रेड का, जो आईजी है वो कल तैनात होना है, आपको पता भी नहीं है कि केपी का आईजी कौन है 22 ग्रेड, ये अभी आपको पता चला। तो ये अभी सुने, अभी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में, बिल्कुल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अभी ये जो हमारी सियासतदान है ना, ये इतने नालायक और नाकारा है ना, ये बजाय पाकिस्तान के मसाइल हल करने, अभी मुझे आप बताएं, ये जो पाकिस्तान है ना, कल मैं देख रहा था 90% डिफॉल्ट होने को है, मतलब उसके चांसेस है कि ये डिफॉल्ट हो जाएगा। बाकी ये शहबाज शरीफ जो इधर उधर घूम रहे हैं ना, ये पड़ोसी जितने भी ममालिक हैं ना, ये हाथ जोड़ के आपको कहते हैं यार हमारे पास कुछ नहीं है, वो भी कुछ नहीं दे रहे हैं। बाकी ये पीटीआई के दौर में आप देखें, पीटीआई के दौर में 27% इमरान खान को उनको जाके फैसलाबाद में हर जगह जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, उनको बाकायदा जो है पैकेजेस दे के आप इंडस्ट्री खोले, उनसे जो है ना फिर एक्सपोर्ट बढ़े थे। लेकिन ये जब से आए हैं, इन लोगों ने जो है ना महंगाई ऊपर से कर दी है, ये यूनिट भी कर दिए, तो ऊपर से उन लोगों को जो है ना मार्जिन नहीं पड़े, उनको प्रॉफिट नहीं, तो उन लोगों ने बंद कर दिए। अभी आप देखिए, आपकी जो इंपोर्ट है ना ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। आपकी जो एक्सपोर्ट है पहले 27% थी पीटीआई के दौर में, अभी 3 पे गिर रहे हैं। कल मैं सुन रहा था कि ये 2 पे गिर गया है। इसके अलावा ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इनका रोल होता है लेकिन पॉजिटिव। ये आप सुने, ये अगर पॉलिटिकल पार्टीज इत्तेहाद नहीं करेगी, ये मुदाखलत चलता रहेगा, ये अजल से आ रहा है। दे अभी सुने ना, 1980 से आप पहले देखो ना, इंडिया से हम मईशत में आ गए थे, हम चाइनीज के साथ उसको एड देते थे, ये जो अभी चाइना है ना, इन लोगों को हमने सपोर्ट किया था। लेकिन अभी 1980s के बाद जब आप देखोगे ना, पाकिस्तान डाउन फॉल की तरफ आ रहे हैं। क्यों? इंस्टेबिलिटी ना पॉलिटिकल। ये सियासतदान जो है, ये कभी एक पेज पे होती नहीं है, और इनका फायदा अक्सर कौन लेते हैं? एस्टेब्लिशमेंट वाले। मतलब अभी ये क्वेश्चन मेरा ये है कि ये पाकिस्तान को जिन अनासिर ने यहाँ पर खड़ा कर दिया है, उनके सबसे बड़ा कसूरवार कौन है? पॉलिटिशियन, एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के आवाम? यार इस पे मैं आपको कहूँगा कि इसमें ज़्यादा हद तक जो है ना, ये पॉलिटिशियन का भी है और हमारा है।